नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं साक्षी पत्रा। आपसे पूछना था कि आप जब टीवी, रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर खरीदने जाते हैं अपने घरों के लिए, तो कौन से ब्रांड्स आपके दिमाग में आते हैं? एलजी, सोनी या फिर सैमसंग? खैर, ये सभी बड़े ब्रांड्स हैं और इनफैक्ट इंडिया के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को रूल भी करते हैं, और ये सारे ही फॉरेन प्लेयर्स हैं। कोई भी इनमें से कोई इंडियन प्लेयर नहीं है। लेकिन अब ये तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि भारत के सबसे अमीर इंसान यानी कि मुकेश अंबानी अब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की, देश की जो मार्केट है, इसे भी बदलने वाले हैं और इसको पूरी तरीके से डिसरप्ट करने वाले हैं। जिस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर इस पूरे स्पेस में मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा ओन करती है, अब यहाँ पर चीज़ें बदलती हुई नज़र आ सकती हैं, क्योंकि लोकल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा देने के लिए मुकेश अंबानी खुद मैदान में अब उतरने जा रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि होम अप्लायंसेस मार्केट में मेड इन इंडिया ब्रांड वो ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं रिलायंस रिटेल के ज़रिए। इसका एक ब्रांड है वाइजर, जिसने ऑलरेडी मार्केट में शुरुआत कर दी है एयर कूलर्स के साथ, और साथ ही साथ अब ये पूरे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट कैटेगरीज में भी जल्द ही अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है। आपको बता दें कि कंपनी ऑलरेडी प्रोडक्शन अग्रीमेंट्स फाइनलाइज कर रही है कुछ डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ, जैसे कि लिस्टेड प्लेयर्स हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज और ओनिडा की पेरेंट कंपनी मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स। और ख़ास तौर पर कंपनी अब एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद का आगे आने वाले समय पर सेटअप कर सकती है, जिससे कि खुद भारत में ही इसी इन्हीं प्रोडक्ट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग हो वो हो, और यहीं से ही इस मार्केट में इसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाए। खास तौर पर जो रिलायंस रिटेल का ब्रांड लॉन्च हुआ है वाइजर, इसने ऑलरेडी एयर कूलर्स को लॉन्च कर दिया है और धीरे धीरे ये अलग अलग प्रोडक्ट की कैटेगरीज में घुसेंगे, जैसे कि टेलीविजन्स, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स। इसके साथ ही साथ घर के जो स्मॉल अप्लायंसेस होते हैं वहाँ पर भी कंपनी लॉन्च कर सकती है कुछ प्रोडक्ट्स। LED बल्ब्स तक लॉन्च करने का अनुमान है, इस तरीके की खबरें आ रही हैं और ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, जो कि टॉप एग्जीक्यूटिव से बातचीत करके ये रिपोर्ट सामने आई है। अब कंपनी का क्या मानना है? कंपनी इस तरीके की मंशा रखती है कि खुद कंपनी इन प्रोडक्ट्स का डिजाइन भी करना चाहती है और उनको पूरी तरीके से डेवलप करना चाहती है इन हाउस, जिससे कि एक होम ग्रोन ब्रांड को इस मार्केट पर उतारा जाए जो कि फॉरेन प्लेयर्स के अगेंस्ट खड़ा हो पाए। ऑलरेडी अगर आपको बताऊं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पहले भी इस तरीके की कोशिश की थी और रिकनेक्ट ब्रांड के साथ एक प्राइवेट लेबल लॉन्च भी किया था, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो थर्ड पार्टीज ने डेवलप किए थे। तो रिलायंस रिटेल के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर दिनेश तलुजा ने हाल ही में जब कंपनी के नतीजे आए अप्रैल 22 को, उसके बाद कुछ एनालिस्ट को ये बताया कि ये कंपनी का नया ब्रांड लॉन्च हुआ है, इसकी मंशा क्या है, आगे जाते हुए ये किस तरीके से ग्रो कर सकता है। अब कंपनी ऑलरेडी वाइजर के प्रोडक्ट्स को अपने खुद के रिलायंस डिजिटल स्टोर्स में भी बेच सकती है और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट डीलर्स में भी इसको एक्सप्लोर कर सकती है, रीजनल रिटेल चेन्स के द्वारा या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए, जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट, या फिर जो डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रॉनिक चेन्स हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट, क्रोमा, विजय सेल्स, इनके ज़रिए भी बेचने की सोच सकते हैं। इसी तरीके की खबरें एक्सपर्ट्स ने हमें बताई हैं। खास तौर पर उनका ये भी मानना है कि वाइजर के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पर पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि बाकी के जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं, जैसे कि LG, सैमसंग, सोनी, इनसे चीपर हो सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्पेस में अगर ढूंढना चाह रहे हों किसी भी तरीके के टेलीविजन सेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, तो उनके लिए एक अल्टरनेटिव हो, एक मेड इन इंडिया ब्रांड हो जिसमें पीछे खुद दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री का भी हाथ हो। ऑलरेडी अगर आप देखें तो इन बड़े प्लेयर्स के अलावा भी टाटा कंपनी के ओन्ड वोल्टास भी एक मार्केट लीडर है एयर कंडीशन स्पेस में, और उसी के बाद MNCs जैसे कि LG और डाइकन AC स्पेस को रूल करते हैं इंडिया में। अब साथ ही साथ यहाँ पर भी कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज की मंशा है कि वो वाइजर प्रोडक्ट को AC स्पेस में भी लॉन्च करे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले भी रिकनेक्ट ब्रांड कंपनी ने लॉन्च किया था, लेकिन तब उतनी ज़्यादा सक्सेस कंपनी को नहीं मिली थी। एक्सपर्ट्स का मानना है, हाल ही में आपने देखा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने फ़ोन मार्केट में अपना पहले फीचर फ़ोन लॉन्च किया जियो फ़ोन, और उसके बाद स्मार्टफोन भी लॉन्च किया, जिससे कि कहीं ना कहीं उन्होंने लार्जर मार्केट शेयर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में, स्मार्टफोन स्पेस में अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। अब वो मानते हैं कि उसी सक्सेस को कंज्यूमर
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में भी बदला जाए। 2022 में रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऑलरेडी 50% हिस्सा एक इंडियन एंटिटी ऑफ यूएस कंपनी जिसका नाम है सनमीना, उसको खरीदा था 1670 करोड़ में, जिससे कि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे पाएं भारत में। सनमीना के पास 100 एकड़ की एक कैंपस है चेन्नई में, जहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि वाइजर के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले भी रीकनेक्ट ब्रांड के तहत बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिलायंस रिटेल ने लॉन्च किए थे, लेकिन क्योंकि ये थर्ड पार्टी द्वारा डेवलप्ड थे तो इसमें कई शॉर्टकमिंग्स आई थी और इसलिए बहुत ज़्यादा कंपनी को सक्सेस नहीं मिली। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का अब मानना है कि वो अगर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड की कैटेगरीज अब लॉन्च करेंगे वाइजर के अंडर, तो उसमें वो पूरा कंट्रोल चाहते हैं कि प्रोडक्ट डिज़ाइन भी उनका हो, मैन्युफैक्चरिंग भी उनकी हो, जिससे कि वो इस मार्केट को पूरी तरीके से देख पाए और ख़ासतौर पर इसमें बड़ा मार्केट शेयर हासिल कर पाए। तो जान लीजिए कि आगे आने वाले कुछ समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आ सकते हैं, जो कि आप खुद अपने घर में लेकर आ सकते हैं। एसीज, टीवीज, वीसीआर या फिर आप रेफ्रिजरेटर्स जैसे कुछ प्रोडक्ट्स को अपने घर में भी लेकर आ सकते हैं और जल्द ही इसका अनाउंसमेंट भी हो सकता है। इसी तरीके की वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें बिजनेस टुडे बाजार पर। और कैसी लगी ये वीडियो ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, लेकिन इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।